हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है, तो बने रहिएगा वीडियो पे एंड तक। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पांच ऐसे लग्जरियस रिजॉर्ट्स एंड होटल शेयर करूँगी विथ स्विमिंग पूल इन गोवा। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है इन द स्मार्ट वुडबर्न रिजॉर्ट। गाइज, आप इसका प्राइस देख सकते हैं, ये प्राइस आपको ऑफ सीजन में मिल जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसमें जो प्राइस होगा वो मतलब 1500 या जितना मैंने आपको अभी शो किया गूगल के डेटा के हिसाब से, वहाँ से शुरू होते वक्त 2500 में या 3000 में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूम में मिल जाएगा। तो गाइज, इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके का, इतना हाई सीलिंग है ये। इसका रेस्टोरेंट एरिया है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे हाई सीलिंग काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कोजी सा एंड नाइस इन्वायरमेंट है रूम्स में। और ये देखिए गाइज, बाहर की व्यू हद से ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये इसका एक अबव इमेज आपको शो कर रहा है पूरे लैंडस्केप दिखाने के लिए, और ये है रूम, बहुत ही बढ़िया रूम है। इसमें सारी अमेनिटीज़ हैं विद आपको एक अच्छा खासा वॉकिंग स्पेस भी मिलेगा, रूम के अंदर एक रूम है और बालकनी भी है। और इस तरीके का आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूम मिलेगा, स्टार्टिंग आपको शायद 1300 से 1400 पे मिलेगा ऑफ सीज़न अगर आप गोवा ट्रैवल करते हो। सीज़न के टाइम पर ये प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, ये तो नेचुरल सी बात है, हर जगह पे सीज़न टाइम बढ़ जाता है। देखिए, सिंगल बेड्स का ऑप्शन है, ये देखिए वॉशरूम कितना खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन एंड बड़ा एंड स्पेशियस है। एंड ये है इसका स्विमिंग पूल एरिया। गाइस, स्विमिंग पूल एरिया काफ़ी बड़ा है, आप आराम से नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्विमिंग करते करते। और ये देखिए, रात को कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। और ये देखिए, यहाँ पे खाने पीने का सारा इंतज़ाम है। सेकंड मेरे इस लिस्ट पे है द फ्लोरा ग्रैंड, इसका भी रिव्यू आपको गूगल में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ये भी एक 3-स्टार होटल है, 4 अबव रेटिंग है, काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं इसके भी। और गाइज, जस्ट इसका ये लुक देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा लैविश पैलेस टाइप का फीलिंग दे रहा है इसका रिसेप्शन एरिया, लॉबी एरिया, और बहुत ही वाइट कलर के थीम में, ऑफ वाइट बेज कलर के थीम में ये पूरे होटल को डिज़ाइन किया गया है। अंदर का जो आपको मैं लुक दिखा रही हूँ, हाई सीलिंग अगेन, इसमें भी वही खासियत है। यहाँ पे आपको अमेनिटीज़ में ये देखिए जिमिंग एरिया भी मिल जाएगा, आप जो लोग जिम फ्रीक्स हैं, जिम करना पसंद करते हैं, यहाँ आइए, जिम भी करिए, इंजॉय भी करिए गोवा में। एंड गाइज, इसका स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा है, और बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड इसका रात का व्यू गाइज, पूरा लाइटिंग का जो धमाल कमाल इस होटल में मचा है ना, बहुत अच्छा है। लाइट की वजह से चीज़ें और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगती हैं, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन इस पूरे होटल में यूज़ किया है, आपके स्टे को बनाता है काफ़ी ज़्यादा नाइस, लग्जरियस। एंड जस्ट इसका एक व्यू देखिए कुछ इस तरीके का। एंड गाइज, अमेजिंग बाथरूम, बाथरूम में लाइटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया इस होटल में लाइटिंग का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए, ये इसका है किचन के बाहर का एरिया, जो आपका जो ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट ये वाला एरिया है वो है। तो गाइज़, अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। 3 है ला ग्रीस रिजॉर्ट। गाइज, इसका भी रेटिंग 4.3 है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रेटिंग। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, 3-स्टार प्रॉपर्टी है, और अगेन अ ब्यूटीफुल लग्जरियस सिटिंग एरिया विथ हाई सीलिंग। और ये देखिए गाइज, बाहर का कुछ इस तरीके से इस जगह का लुक आता है। स्विमिंग पूल की बात करूँ तो ये व्यू है, रूम से भी अगर आपको स्विमिंग पूल फेसिंग रूम मिलता है तो कुछ ये है, बीच के भी काफ़ी बगल में है ये जगह, बीच व्यू भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी में मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके का जो ये रिजॉर्ट है, अगर आप ऑफ सीज़न में गोवा प्लान करते हैं तो आपको 1500 से 3000 में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ होटल्स मिलती हैं, और इतना ज़्यादा लग्जरियस प्रॉपर्टी इतने कम रेंज में विद ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, 2 पूल्स में डिवाइडेड है, मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है गाइज मेरे ओपिनियन में। और मुझे इस तरह के प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ, ताकि आपका एक लग्जरियस और अच्छा स्टे बन सके। और ये देखिए, इसकी रूम है, तो आपको हमेशा ट्रैवल का अपने टाइम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से चीज़ें प्लान करनी चाहिए। तो इतना अच्छा चीज़ आपको इतने कम डील में मिलेगा, तो डेफिनेटली इट्स अ थम्स अप, आप ज़रूर जाइए। और बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, रूम में देख सकते हैं आप सारी अमेनिटीज़ हैं, सोफ़ा है, सिटिंग एरिया है, प्रॉपरली हर चीज़ मेंटेन्ड है, बेड है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉकिंग स्पेस भी दिया हुआ है रूम में। एंड देखिए कितना सारा चेयर्स एंड फर्नीचर प्रॉपर्ली लगा हुआ है। और ये देखिए बाथटब, जिनको बाथटब
बहुत पसंद है तो वो ये वाले होटल को भी बुक कर सकते हैं। एंड ये देखिए इनका रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर द HQ। HQ का भी रिव्यू आप देख सकते हैं, इट्स अ 4-star प्रॉपर्टी, 4.1 रिव्यू है गूगल पे, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लोकेशन पे ये जगह है। जस्ट देखिए गाइज, आप अपना अगर फ्लोर से अगर आप देखोगे बालकनी से तो कुछ इस तरीके की व्यू दिखती है आपको, जो कि ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल है। और इसका रूफ टॉप स्विमिंग पूल भी इसको और ख़ास बनाता है। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए और टूरिस्ट के लिए दोनों के लिए फेमस है। और ये उनका रेस्टोरेंट आपने देखा, बहुत बड़ा स्पेस में इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है और रूम कुछ इस तरीके से है, सारी अम्यूनिटीज़ दिए हुए हैं, सिटिंग एरिया भी है, वर्किंग स्पेस भी है, टेबल है, वेल लिट रूम्स है। और ये देखिए बालकनी, अगर आप वहाँ से आपको क्या व्यू देखने को मिल रहा है, इट्स मेस्मराइजिंग गाइज, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और एक अच्छा फील आपको मिलेगा यहाँ पे। रूम स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है, क्लेंलीनेस का पूरा ध्यान है। और ये देख सकते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑफ वाइट एंड वाइट थीम पे रूम्स, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। एंड ये देखिए बाथरूम से कुछ इस तरीके का रूम दिखता है, बाथटब भी है गाइस, एंड इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर है। ये सारी जगह देख के मन एकदम अलग लेवल पे चला गया गाइस। अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ फिफ्थ नंबर रिजॉर्ट, और ये रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ख़ास है, सी ब्रीज मैक्स रिजॉर्ट, 4.2 रिव्यू के साथ ये है वो जगह गाइस। ये मुझे अंडमान्स का याद दिलाता है, बिकॉज़ हमने जो अंडमान्स में जब हम रहे थे तो वो हैवलॉक एक होटल था, रिजॉर्ट था हैवलॉक में, तो हेवल्स करके उसका नाम था, तो कुछ इस तरीके का हेवल्स वाला फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस रिजॉर्ट में। बहुत सुंदर, अगेन हाई सीलिंग, एंड ये देखिए इसका रिसेप्शन एरिया, सिटिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा लैविश है। यहाँ पे बग्गी या ऑटो आप कुछ भी कह सकते हो, वो भी फैसिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो कि आलम उबुद में भी ये फैसिलिटी था जब हम लोग बाली गए थे। और रूम देख सकते हैं, गार्डन फेसिंग भी है, आपको अलग अलग फेसिंग रूम्स मिलेगा, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड रूम का इतना बड़ा मतलब स्पेस पे ये होटल बनाया हुआ है विथ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है गाइज, वहाँ पे अच्छे से ये शेड भी दिया, जहाँ पे आप रिलैक्स करके सन बाथ भी ले सकते हो इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर्स। तो ओवरऑल इसका रूम अगर मैं बात करूँ तो देखिए है 4 शेयरिंग रूम, और इतना बड़ा स्पेस विथ TV, ऑल द लग्जरीज एंड सोफ़ा एंड इतना बड़ा बालकनी, तो गाइज़ ये इस जगह को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और लग्जरियस बनाता है। एंड अगर आप इस रूम से देखेंगे तो आपको दूसरे वाले साइड का जो रूम्स है वो भी दिखेगा, और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन लीव्स देखने को मिलेगा, जो कि इस जगह को काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग बना देता है। एंड साथ ही साथ जो लोग नेचर से कनेक्टेड हैं, जैसे मुझे ऐसे जगह बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि शांत होने के साथ साथ एट द सेम टाइम नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हो, वुडन आर्किटेक्चर हो, तो दीज थिंग्स अपील टू मी, आई जस्ट लव इट। तो उस तरीके का जगह ही मैं आपके लिए लिस्ट ऑफ होटल्स लेके आई हूँ एट बजट प्राइस। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा।